हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं फिर से कई सारे यूजफुल टिप्स लेकर आ चुकी हूँ। बिना एक रुपया खर्च किए हुए आप अपने घर के काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो आज का पहला टिप्स है रुमाल को लेकर। रुमाल बहुत ज़्यादा हो जाती है जब धोने के लिए जाते हैं कपड़े, तो बच्चों के बड़ों के सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसको हम अगर अलग अलग रखते हैं धोने के लिए, यानी कि एक साथ ऐसे ही रख देते हैं धोने के लिए, तो फिर बाद में एक एक करके हमें निकाल के इसको सुखाना पड़ता है और मिलती भी नहीं है, कई बार गुम भी हो जाती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रही हूँ कि जब भी आप रुमाल को बाकी कपड़ों के बीच में वॉशिंग मशीन में रखें धोने के लिए, तो क्या करें, एक एक रुमाल का कोना इस तरह से पकड़ लीजिए और कोना पकड़ने के बाद आपको सेफ्टी पिन इसमें लगा देनी है। अगर आप सेफ्टी पिन नहीं लगाना चाहते, क्योंकि कई बार होता है ना कपड़े उलझ जाते हैं तो हम निकालते हैं तो खींच के निकालेंगे तो कहीं फट जाएगी, तो इससे अच्छा है कि आप रबर लगा लें, इलास्टिक वाली रबर लेके और सारे रुमाल का इस तरह से कोना पकड़ के और इकट्ठा करके लगा दीजिए। इससे बहुत ही आसान हो जाएगा कपड़ों के बीच से रुमाल को निकालना, और सुखाना भी आसान है। एक साथ निकालिए और कहीं पर भी रख दीजिए सूखने के लिए, सारे रुमाल एक साथ सूख जाएंगे, तो गुम भी नहीं होती है। कई बार होता है कि अलग अलग हम रखते हैं तो गुम हो जाती है। अगला टिप्स है पर्स को लेकर। जब हम इस तरह के हैंडबैग को यूज़ करते हैं तो इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, पैसे हैं, मोबाइल है, मेकअप का सामान है। तो जो अगर हम भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है। हम अगर ज़्यादा पैसे बाहर वाले पर्स में रख देते हैं, यानी खल में रख देते हैं, तो एक डर लगा रहता है कि कहीं कोई पैसा निकाल ना ले, क्योंकि भीड़ भाड़ में पता नहीं चलती है। और अगर बैग के अंदर एक जो सीक्रेट पॉकेट दिया हुआ रहता है वो नहीं है, तब काफ़ी मुश्किल होती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रही हूँ कि आप ले लें एक छोटा सा पर्स, कोई सा भी पर्स ले सकते हैं। जैसे आजकल तो सिल्वर की या गोल्ड की ज्वेलरी लेते हैं तो उसमें भी पर्स दुकान वाले दे ही देते हैं, तो वो भी आप पर्स लेके और सेफ्टी पिन की मदद से आप इसको बैग में टक कर सकते हैं, जिससे कि आप इसमें जितने भी पैसे चाहें रख सकते हैं। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपका पैसा भी सेफली रहेगा, साथ साथ अगर हम ऐसे ही बैग में रख देते हैं तो वो सारे मेकअप के सामान के बीच में इधर उधर हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप पर्स में अंदर बैग रखें, और ऐसे रखने से आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे। तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह के थर्मस तो हम सभी अपने घर में रखते हैं। ज़्यादातर लोग सर्दियों के मौसम में इसमें चाय भर के या फिर बच्चों के लिए गर्म दूध रखते हैं, ताकि बार बार उन्हें बच्चों को दूध गर्म करके ना देना पड़े। इसमें काफ़ी देर तक दूध गर्म रहती है। पानी भी रखते हैं, गर्मी के समय में बहुत कम लोग हैं जो मॉर्निंग में उठ के पानी पीते हैं, गर्म पानी। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ, कई बार होता है कि मैं काफ़ी दिनों तक गर्म पानी मॉर्निंग में नहीं पीती हूँ तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इसको रखने के लिए मैं क्या करती हूँ, टिश्यू पेपर एक दो रख देती हूँ, जिससे कि इसमें से स्मेल ना आए। लेकिन जब हम लंबे टाइम तक इसको यूज़ नहीं करते हैं और उसके बाद जब यूज़ करना है तो इसको क्लीन करके ही फिर यूज़ करना चाहिए अच्छे से। तो उसको क्लीन करने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ कि जैसे पेस्ट होता है, कोई भी पेस्ट है जब ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं निकलती है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे पेस्ट रह जाते हैं। तो ऐसे तो हम चाहे कितना भी उसको प्रेस करके निकालने की कोशिश करें नहीं निकलती है, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा पेस्ट रहती है। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। तो इसमें है अभी थोड़ा सा पेस्ट, तो मैं आधा ही कट करके रख रही हूँ, इतना क्लीन करने के लिए काफ़ी रहेगा। मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ नहीं कर रही थी तो मैं कहीं क्लीन करके और फिर यूज़ करूँगी। तो थोड़ा सा रखी हूँ गुनगुना पानी, और अब इसको शेक करूँगी, 2-3 मिनट के लिए शेक करेंगे, जिससे कि ये अच्छे से क्लीन हो जाए, और अगर थोड़ी बहुत स्मेल होगी तो स्मेल भी दूर हो जाएगी। तो 2-3 मिनट के लिए शेक करना है, और अगर आपका बॉटल काफ़ी गंदा है, आपने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया है, तो आप 4-5 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, जिससे कि उसमें से कोई भी स्मेल होगी, बदबू होगी, वो दूर हो जाएगी और अच्छे से बॉटल क्लीन भी हो जाएगी। तो ये ज़्यादा गंदा नहीं है, तो इसके लिए मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दी थी, और अब जो हमने रखा था कोलगेट वो निकाल लेती हूँ और उसके बाद फिर गर्म पानी से इसको धो दूँगी। और ये जो पानी है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इससे किचन सिंक धो लूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा कोलगेट है और साथ साथ गुनगुना पानी भी है, तो इससे किचन सिंक अच्छे से क्लीन हो जाएगी। आप चाहें तो बाथरूम भी क्लीन कर सकते हैं। तो मैं
बॉटल को क्लीन कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा और पानी गर्म की हूँ और अब इसको 2-3 मिनट के लिए बंद करके छोड़ दूँगी ताकि जो थोड़ा बहुत स्मेल होगी कोलगेट की भी वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि अगर कोलगेट की भी स्मेल रह गई तो कोई भी चीज़ हम इसमें रखेंगे, जैसे पानी भी रखेंगे तो उसमें उसकी स्मेल आ जाएगी, दूध रखे चाय रखे तो वो ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और अब इस बॉटल को अच्छे से धो लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से क्लीन हो जाती है। बिना 1 रुपया खर्च किए हुए फ्री में बॉटल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, किसी तरह की बदबू नहीं रहती है। अगर आपको फिर भी कोलगेट की स्मेल आ रही है तो 5 मिनट के लिए आप इसको धूप में रख दीजिए। अभी तो धूप बहुत ज़्यादा तीखी हो रही है तो ये जल्दी से सूख भी जाएगी और सारी स्मेल भी गायब हो जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला टिप्स है कि लहसुन को हम कैसे लंबे टाइम तक सुरक्षित रखें। लहसुन हर कोई खाता है, लेकिन कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग गर्मियों में कम खाते हैं, तो फिर रखे रखे ख़राब होने लगती है अगर थोड़ा सा भी खरीद कर लेकर आए तो इसको कैसे रखें जिससे कि लंबे टाइम तक ये सुरक्षित रहे, ख़राब ना हो। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताऊँगी। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, जितना भी लहसुन है उस लहसुन को अच्छे से चेक कर लें कि उसमें कोई ख़राब तो नहीं है, क्योंकि जो भी जवे ख़राब है उसको निकाल दीजिए, नहीं तो वो एक साथ सारे लहसुन को ख़राब करने लगता है। तो एक बार देख लीजिए और उसके बाद कोई भी आप डब्बा ले लीजिए जिसका ढक्कन हो तो वो ले लीजिए, या फिर इस तरह के डब्बे तो किचन में मिल ही जाते हैं, जैसे मिठाई आती है तो वो डब्बा ऐसे ही पड़ा रहता है, तो उसको अच्छे से धो के सुखा लीजिए। मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए उसमें, पानी नहीं लगी होनी चाहिए, नहीं तो लहसुन ख़राब हो जाएगी। और उसके बाद फिर सारे लहसुन को इसमें रख दीजिए। तो मेरे भी लहसुन कुछ ख़राब हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा ही खरीदी थी क्योंकि लहसुन मैं गर्मी में नहीं खाती हूँ, पर फिर भी ये बाहर रखे हुए ख़राब होने लगे हैं। तो इसको मैं जो ख़राब है वो निकाल देती हूँ और सारे को फिर इस डब्बे में बंद करके और फिर फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में रखने से लहसुन ख़राब नहीं होती है, लेकिन उसको भी रखने का एक तरीका है। अगर आप ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं तो फ्रिज के अंदर जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं सभी में लहसुन की स्मेल चली जाएगी और सारे ही खाने पीने की चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो उसको आपको डब्बे में रखना है जिसका ढक्कन हो, तो उसको अच्छे से रख के और ढक्कन बंद कर दीजिए और फिर फ्रिज में रखिए। तो फिर ख़राब नहीं होगी लहसुन और बाकी के सामान भी उसमें स्मेल नहीं जाएगी लहसुन की। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कई लोग चावल डेली खाते हैं जिस वजह से घर में ढेर सारे चावल मंगा के रखते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी मार्केट जाना और राशन की चीज़ें लाना कई लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होती है जो जॉब करते हैं या फिर अकेले रहते हैं, तो वो अधिक मात्रा में घर में स्टोर करके चावल को रखते हैं, लेकिन फिर बाद में कीड़े लगने लगते हैं या फिर जो घुन होती है वो लगने लगते हैं, फिर चावल का स्वाद भी बिगड़ जाती है और उसको साफ़ करना भी काफ़ी मुश्किल रहता है, उसमें समय भी लगती है। तो आप देख सकते हैं कि मैं भी चावल जब लाई थी थोड़ा ध्यान नहीं दी और उस वक्त तो कीड़े तो नहीं लगे हैं, लेकिन ये जो काले वाली सुरसुरी है वो लग गई है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रही हूँ कि आप क्या करें, इसमें साबुन रख दे, कोई सा भी साबुन आप रख सकते हैं। अगर साबुन नहीं रखना चाहते हैं तो उसमें साबुन के खाली रैपर को भी रख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी साबुन की बहुत ही अधिक मात्रा में खुशबू रहती है। तो उसको चावल के बीच में रखने की वजह से उसमें कीड़े नहीं लगेंगे और किसी तरह का घुन भी नहीं लगेगा। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, मैं पहले से ध्यान नहीं दी जिस वजह से थोड़े से हो गए हैं, पर जो हो गया है सुरसुरी वो भी मर जाएगा। तो आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगला टिप्स है किचन सिंक को लेकर। सिंक में हम बर्तन भी धोते हैं, साग सब्जी भी साफ करते हैं, इसकी साफ सफाई का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। ये जितना साफ सुथरा रहेगा हम उतना ही हेल्दी रहेंगे, क्योंकि अगर ये गंदा है तो इसी से कीड़े मकोड़े भी आने लगते हैं। पर कई बार होता है कि हम चाहे कितना भी साफ सफाई का ध्यान रखें, इसमें से बारिश के मौसम में कीड़े मकोड़े कान खजूरे या फिर कॉकरोच निकलने लगते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि किसमें से कीड़े निकल रहे हैं या फिर कान खजूरे निकल रहे हैं, तो आप क्या करें, छोटा सा प्याज का स्लाइस कट कर लें और उसके जूस को पूरे सिंक में आप लगा दें। प्याज की जो स्मेल होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो इस तरह से उसके जूस को पूरे सिंक में आप लगा दें और लगाने के बाद जो स्लाइस है उसको जाली के ऊपर रख दें, जिससे कि कोई भी कीड़े मकोड़े बाहर ना आए। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इस ट्रिक से आप अपने परिवार को हर खतरे से बचा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज के सारे ही टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।